और अब आज की कुछ बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सोशल मीडिया से जारी विवाद पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया, जिसमें कहा गया है कि सरकार के आदेश के खिलाफ व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी के लिए यूजर्स पर दबाव बना रहा है। ये कंपनी की डिजिटल क्षमता का गलत इस्तेमाल है। इस बीच व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी 15 मई से लागू कर चुका है और उसने एक बयान जारी कर दावा किया है कि इससे यूजर्स की प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दवाइयों और सिलेंडर्स की होर्डिंग केस में गौतम गंभीर फाउंडेशन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गंभीर के फाउंडेशन पर गलत तरीके से फैबीफ्लू दवा स्टोर करने और उनको खरीदने बेचने का आरोप लगा है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है और ड्रग कंट्रोल ने इस मामले में फाउंडेशन को नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि गंभीर ने इन दवाओं से फ्री सेवा की थी। बिहार में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन यहां सियासी भूचाल की पटकथा लिखी जानी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार की सरकार चंद सहयोगी विधायकों के सहारे टिकी हुई है, लेकिन कभी जितन राम मांझी, मुकेश सहनी तो कभी भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और जेडीयू के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। इस घमासान के बीच बिहार में के राजनीतिक पंडित किसी बड़े उलटफेर की संभावना जता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा का मामला महामहिम के दरबार में पहुंच गया है। देश के 114 अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रोफेसर्स ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इसमें हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि 2 मई को बंगाल चुनाव के परिणाम आने के बाद 11,000 से ज्यादा दलित और आदिवासी बेघर हो गए। पूरे बंगाल में 1627 हमले हुए, जिसमें 40,000 से ज्यादा दलित और आदिवासी सीधे प्रभावित हुए। अलीगढ़ में जहरीली शराब का तांडव और सरकार की कार्रवाई दोनों जारी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शराब व्यापारियों के घर पर बुलडोजर चला रही है, तो रोहरा गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई और 22 लोगों की तबीयत खराब होने की नौबत आ गई। पुलिस के मुताबिक इन्होंने नहर में फेंकी गई शराब पी ली थी, लेकिन इसके साथ ही जहरीली शराब से हुई मौतों का आंकड़ा 100 के करीब पहुंचता जा रहा है। गाजियाबाद के डासना के मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की एक बार फिर हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। मंदिर के सेवादारों ने परिसर में घुसे 2 लोगों के शक के आधार पर पकड़ लिया है। इसके बाद तलाशी ली गई तो उनके पास से 3 सर्जिकल ब्लेड और आपत्तिजनक दवाएं बरामद हुई। आरोपियों में से एक को अपना नाम मोहम्मद कासिफ बताया। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस मनाया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब लोगों ने पब्लिक प्लेस की जगह घरों में रहकर साइकिल डे मनाया। कोरोना काल में अच्छी सेहत और फिटनेस को लेकर लोग जागरूक हुए। साइकिलिंग को भी फिटनेस का अच्छा तरीका मानकर तेजी से अपना रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे हर साल अर्थव्यवस्था को 1.80 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।